हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट परावर्तन गुणांक। प्रीवियस लेक्चर में हमने जे का मान निकाला था, जहां पर जे क्या था, हमारा प्रायिकता धारा घनत्व है। ठीक है, जे का मान अपने पास में क्या आया था, वी मोड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस का मोड ऑफ बी का स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास में प्रायिकता धारा घनत्व का मान आया था। पोटेंशियल स्टेट के लिए हम सॉल्व कर रहे थे, हमारे पास भी क्या था, पोटेंशियल स्टेट था और कंडीशन हम सॉल्व कर रहे थे E is less than V naught की। ठीक है, दो कंडीशन थी अपने पास में, तो हम लेके चल रहे थे E is less than V naught और सेकंड अपने पास में थी E is greater than V naught। तो पहली जब हम E is less than V naught सॉल्व कर रहे थे तो उसके अंदर अपने पास में क्या था कि जो हमारा प्रायिकता धारा घनत्व है वो कितना आया था, V mod of A का स्क्वायर माइनस mod of B का स्क्वायर, जहां पर A जो था वो क्या था, आपतित तरंग का आयाम था, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारी प्रायिकता धारा घनत्व है उसमें आपतित जो होगा उसका कितना हो जाएगा, A है, और परावर्तित तरंग का आयाम कितना हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे कि परावर्तन गुणांक R क्या होता है। ठीक है, तो यहां से अपने पास में आ जाएगा कि मोड ऑफ ए का स्क्वायर और के माइनस आल्फा के मोड का स्क्वायर अपॉन के
मोड का स्क्वायर और अपॉन में क्या जाएगा मोड ऑफ ए स्क्वायर। ये वाला जो हमें दे रखा है मोड ऑफ ए का स्क्वायर। तो यहां से अपने पास में क्या आया k माइनस अल्फा अल्फा अपॉन k प्लस अल्फा अल्फा, ठीक है, और इनके मोड का स्क्वायर है। तो हमारी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स के लिए हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे k प्लस अल्फा अल्फा से, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा k माइनस अल्फा अल्फा से, ठीक है, क्योंकि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स जो हमारी क्वांटिटी है उसके अगर मोड का स्क्वायर हम खोलेंगे तो क्या होगा a स्टार a होगा। तो यहां से हम देख सकते हैं कि k माइनस अल्फा अल्फा के मोड का स्क्वायर जो होगा वो इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के फॉर्म में मिलेगा। तो k माइनस अल्फा अल्फा k प्लस अल्फा अल्फा, इसी प्रकार k प्लस अल्फा अल्फा वो हो जाएगा k प्लस अल्फा अल्फा k माइनस अल्फा अल्फा। तो ये क्या हो गए आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो वैल्यू आ गई 1। तो यहां से हम देख सकते हैं कि अपने पास में r का मान जो है वो कितना आ गया 1 आ गया। अतः परावर्तन गुणांक r इक्वल टू 1, ठीक है, अपने पास में क्या हो गया परावर्तन गुणांक जो है r उसका मान कितना आ गया 1 आ गया। तो r का मान 1 आने का मतलब क्या होगा कि हम कंडीशन क्या लेके चल रहे थे कि जो पार्टिकल अपने आ रहे हैं जितने भी अपने कण आ रहे हैं उनके लिए जो एनर्जी है वो क्या है लेस देन वी नॉट है, ठीक है, यानी ये जो विभव है यहाँ पे उससे कम उनकी एनर्जी है। तो उससे कम जब एनर्जी होगी तो r इक्वल टू अपने पास में कितना आया 1 आया। इसका मतलब है कि यहाँ से आने वाले जो भी कण होंगे यानी इस इज लेस देन वी नॉट से, तो ये सारे कण क्या होंगे परावर्तित हो जाएंगे। परावर्तन गुणांक का मान अगर 1 से कम होता इसका मतलब तो क्या होता कि कुछ ट्रांसमिट कर गए कुछ पारगमित हो गए। जैसे ऑप्टिक्स के अंदर भी आप लोग पढ़ते हो कि r प्लस p अपने पास में क्या होता है 1 होता है, यानी परावर्तन और पारगमन दोनों गुणांक मिलकर के क्या होते हैं 1 होते हैं। तो यदि हमारा r 1 है इसका मतलब t 0 है, ठीक है, तो r 1 का मतलब क्या हो गया t 0 हो गया, मतलब कुछ भी पारगमित नहीं हुआ कंप्लीट जो है वो परावर्तित हो गए। इसका मतलब क्या होगा कि यदि अपने जो कण है वो e is less than p naught वाले होंगे उनकी एनर्जी जो है वो इस विभव से कम होगी तो वो इस विभव को पार नहीं कर पाएंगे और सारे के सारे क्या हो जाएंगे परावर्तित हो जाएंगे, ठीक है। यहां तक लिखिए इसे, ठीक है, यहां तक हो गया। तो क्या हो जाएगा जो कण बाईं ओर से
दिशा की ओर आ रहे थे। और आ रहे थे तथा जिनके लिए तथा जिनकी एनर्जी वी नोट से कम है वे वापस परावर्तित होकर बाई ओर ठीक है क्या हो जाएंगे कि जो भी अपने पास में पार्टिकल्स आ रहे थे वो सारे के सारे वापस रिफ्लेक्ट होकर के बाई ओर ही लौट जाएंगे। ठीक है तो यहां से अपने पास में क्या आ गया अब रीजन सेकंड के लिए। ठीक है क्षेत्र सेकंड में जब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो है तो तरंग फलन साई सेकंड एक्स इक्वल टू कितना है डी की पावर माइनस का अल्फा एक्स। ठीक है तो यहां से अपने पास में साई सेकंड का मान डी की पावर माइनस का अल्फा एक्स तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी ठीक है तो यहां से हम देख सकते हैं कि हमारा जो तरंग फलन है वो जीरो नहीं हो रहा है रीजन सेकंड के अंदर। ठीक है उसका कुछ ना कुछ मान है और प्रायिकता जो होगी उसका भी हमारे पास में मान आ रहा है और साथ में जो तरंग फलन होगा वो चर घातांक के रूप से डिक्रीज होगा यानी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। ठीक है तो यहां से अपने पास में क्या हुआ कि हमारे पास में जो विभव सीडी थी उसके अंदर जो पार्टिकल्स आ रहे थे जिनकी एनर्जी V नोट से कम थी वो कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार क्या होगा कि जो हमारा रीजन सेकंड है वहां पर भी तरंग फलन जो है वो जीरो नहीं होगा वहां पर भी कुछ ना कुछ प्रायिकता हो सकती है। ठीक है तो उस प्रायिकता का मान अपने पास में ये आ रहा है जिसका मान क्या होगा जो हमारा तरंग फलन है वो डिक्रीज हो रहा है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि अगर सारे कण हमारे परावर्तित हो रहे हैं तो यहाँ पर प्रायिकता जीरो होनी चाहिए लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग क्या होगा कि इस रीजन में भी प्रायिकता जो है वो जीरो नहीं होगी तरंग फलन का मान जो है वो शून्य नहीं होगा बस ये क्या हो रहा है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे क्षय हो रहा है। यदि हम वी नोट की उसको बढ़ा दें ऊंचाई को बढ़ा देंगे तो ये जल्दी डिक्रीज हो जाएगा और अगर हम अनंत कर दें वी नोट की उसके ऊंचाई को यानी वी नोट का मान यदि हम अनंत कर दें तब क्या हो जाएगा यहाँ से अपने पास में अल्फा भी अनंत हो जाएगा अल्फा इक्वल टू क्या था अपना रूट टू एम वी नोट माइनस ई अपॉन एच वन स्क्वायर था। ठीक है तो यहाँ से वी नोट को अगर हम अनंत करेंगे तो अल्फा भी अनंत हो जाएगा और उस कंडीशन में साई जीरो हो जाएगा। ठीक है तो जब अपने पास में विभव सीडी थी अगर परिमित हमें ऊंचाई दे रखी है एक फिक्स मान दे रखा है तब जो साई सेकंड है वो जीरो नहीं होगा यदि अनंत है तब जीरो हो जाएगा। ठीक है तो ये रिजल्ट जो हमें क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग मिलता है कि इस रीजन में भी कुछ ना कुछ अपना जो तरंग फलन होगा उसका मान होगा। ठीक है तो यहां से हम देख सकते हैं यहां तक लिखने से ठीक है यहां तक हो गया तो इस रीजन के लिए अगर हम ग्राफ बनाना चाहें तो किस तरह से होगा ये हमारी विभव सीडी
ठीक है, हमारी जो विंडो सीट है उसकी ऊंचाई कितनी है, वी नॉट है, ठीक है, और चौड़ाई जो होगी वो कितनी होगी, अनंत होगी। तो यहां से अपने पास में क्या हो गया कि ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो अगर अपने पास में जो तरंग आ रही है वो इस तरीके की कोई तरंग है तो वो क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगी सेकेंड रीजन के अंदर। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि सेकेंड रीजन के अंदर साई का मान जो है वो जीरो हो गया, साई का मान एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, चर घातांक की क्षय होगा। ठीक है, और ये हमारा साई फर्स्ट एक्स होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या मिलेगा, साई फर्स्ट एंड साई सेकेंड का मान मिलेगा। ठीक है, यहां तक हो गया है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि यह तरंग फलन जो हमारा साई सेकंड है, तरंग फलन चर घातांकी रूप से क्षय होगा। ठीक है, अतः तो यहां से अपने पास में क्या हो गया कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग तो ये जो रीजन है वो अभेद्य रहेगा, यानी इसमें पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा पार्टिकल, इसमें नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, कुछ ना कुछ तरंग फलन आ रहा है, यहां पर भी प्रायिकता आ रही है अपने पास में, तो हम लिख सकते हैं अतः चिर संबंध यांत्रिकी के अनुसार अभेद्य क्षेत्र x is greater than 0 में भी तरंग फलन का मान शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या हो गया कि तरंग फलन जो है वो x is greater than 0 रीजन में भी जीरो नहीं है। ठीक है, शून्य नहीं होगा। यदि v नॉट का मान बढ़ाते हैं तो तरंग साई सेकंड x का मान जल्दी कम होता है। तथा यदि v नॉट को हम क्या कर दें, इन्फिनिटी कर दें, अनंत कर दें, यदि v नॉट का मान अनंत कर दें तो साई सेकंड x आवश्यक रूप से सुनने हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास में क्या होगा कि जो साई सेकंड एक्स है क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ये जीरो ही रहना चाहिए, यानी सारे कण जो है वो परावर्तित हो चुके हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग क्या होगा कि यहाँ से पेनिट्रेशन हो सकता है, ये रीजन जो है अभेद्य जो क्षेत्र है उसके अंदर भी साई का मान कुछ ना कुछ हो सकता है, यहाँ पर भी प्रायिकता होगी। ठीक है, यदि हम वी नोट को अनंत कर देते हैं तब क्या हो जाएगा, साई जो हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक लिखने से
डिफरेंशियल स्टेट का हमारा सेकंड केस ले रहे हैं जब E इज ग्रेटर देन V नोट है, ठीक है। तो यहां से अपने पास में क्या होगा, सेकंड केस है हमारा E इज ग्रेटर देन V नोट, अब E इज ग्रेटर देन V नोट के अंदर हमारे R और T के मान क्या होंगे वो हम निकालते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे, माना माना विभव सीडी सीडी पर बाई ओर से आपतित कणों की, ठीक है, यहाँ पे हमारे जो कण है उसकी जो ऊर्जा है वो कितनी है, ठीक है, आपतित जो हमारा कण है उसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, E is greater than V note है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कण की बात करें तो क्या हो जाएगा, आपतित कण की ऊर्जा E is greater than V note है, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया, अगर E is greater than V note है अतः, ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं कि E is greater than V note है और V note हमारा उसी तरह से डिफाइन है, V note x जो होगा वो इस रीजन में जीरो है और यहां पर सेकंड रीजन के अंदर क्या है, V note है, ठीक है। तो यहां तक हमने लिख लिया कि हमारी जो एनर्जी होगी E is greater than V note है। अब हम रीजन को डिफाइन करते हैं, ठीक है, तथा विभव Vx निम्न प्रकार है, Vx इक्वल टू जीरो जब x इज लेस देन जीरो और Vx इज V नॉट जब x इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो यहां से अपने पास में क्या हो जाएगा, ये हमारा क्षेत्र फर्स्ट है और ये हमारा क्या हो जाएगा, क्षेत्र सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट रीजन हो गया और ये हमारा सेकंड रीजन हो गया, ठीक है। तो इसके लिए हम वापस से क्या लिखते हैं, श्रोडिंगर समीकरण को लिखते हैं, हम लिख देंगे कण की गति के लिए श्रोडिंगर समीकरण निम्न है, तो श्रोडिंगर समीकरण क्या होगी, माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम डी टू साई फर्स्ट एक्स अपॉन डी एक्स टू प्लस का वी साई फर्स्ट एक्स इक्वल टू ई साई फर्स्ट एक्स। तो यहां तक हमने क्या लिखा, ये जो हमारा फर्स्ट रीजन है इसके अंदर हमने श्रोडिंगर रिलेशन लिखी, ठीक है, और जो हमारे पास में श्रोडिंगर इक्वेशन होगी इसके अंदर साई फर्स्ट रीजन में v का मान जीरो है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, v इक्वल टू जीरो रखने पर, तो v इक्वल टू जीरो रखने पर अपने पास में आ गया माइनस का h कट स्क्वायर अपॉन टू एम डी टू साई फर्स्ट x अपॉन डी एक्स टू, ठीक है, डी टू साई फर्स्ट अपॉन डी एक्स टू प्लस का ये जीरो हो गया, तो इक्वल में आ जाएगा ई साई फर्स्ट x, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या बन गया, डी टू साई फर्स्ट x अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू टू एम ई अपॉन एच कट स्क्वायर साई फर्स्ट एक्स, ठीक है। तो ये अपने पास में आ गया d
d2 psi first x upon dx2 equal to 2ne upon x cut square psi first x, ठीक है, ये माइनस में आ जाएगा। और अगर इसको हम इधर लेते हैं तो ये क्या बन गया, d2 psi first x upon dx2 प्लस का 2ne upon x cut square psi first x equal to 0, ये अपनी इक्वेशन बन गई रीजन फर्स्ट के लिए, ठीक है। अब हम रीजन सेकंड के लिए लिखते हैं, ठीक है, याद रख लो यहां पर अपने पास में क्या आ जाएगा, रीजन फर्स्ट के लिए श्रोडिंगर समीकरण। फिर हम लिखते हैं रीजन सेकंड के लिए, ठीक है। तो यहां पर अपने पास में क्या आ गया, साई फर्स्ट का मान आ गया, अब हम रीजन सेकंड के लिए लिखेंगे साई सेकंड मैक्स के लिए। ठीक है, तो ये हमारी साई फर्स्ट के लिए श्रोडिंगर समीकरण। अब इसी प्रकार ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन 0 के लिए, x इज ग्रेटर देन 0 के लिए क्या हो जाएगा, d2 साई सेकंड x अपॉन dx2, ठीक है, प्लस v नॉट psi सेकंड x इक्वल टू e psi सेकंड, ठीक है। तो यहां पर अपने पास में आ गया, ये अपना रीजन फर्स्ट के लिए और ये रीजन सेकंड के लिए, तो d2 psi सेकंड x माइनस का h का स्क्वायर अपॉन 2m, तो माइनस h का स्क्वायर अपॉन 2m से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2m अपॉन h का स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, x अपॉन dx2 माइनस 2m अपॉन h का स्क्वायर v0 साई सेकंड x इक्वल टू माइनस का 2me अपॉन h का स्क्वायर साई सेकंड x, ठीक है। इसके लिए हम लिख लें क्या आ जाएगा अपना d2 साई सेकंड x अपॉन dx2 प्लस 2m अपॉन h का स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर ले जाएंगे तो ये वाला अपना क्या बनेगा, प्लस का बन जाएगा और v नोट अपना क्या है, माइनस का है, तो हम इसे लिख सकते हैं e माइनस v नोट साई सेकंड x इक्वल टू 0, ठीक है। e को इधर ले आए मतलब ये वाले जो पूरी टर्म है इसको इधर ले आएंगे और यहां से अपने पास में इक्वेशन आ गई 2m अपॉन h का स्क्वायर e माइनस v नोट साई सेकंड x इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम ये जो अपने पास में 2me अपॉन h का स्क्वायर और 2me माइनस v नोट अपॉन h का स्क्वायर है, इसके लिए हम लिख लेते हैं, माना k इक्वल टू रूट 2me अपॉन h का स्क्वायर, ठीक है, तथा k डैश इक्वल टू रूट 2m e माइनस v नोट अपॉन h का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अपने पास में आ गया k और k डैश का मान आ गया, ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे अंदर,
ठीक है, तो ये हो जाएगा समीकरण दो तथा तीन से। तो यहां से अपने पास में आ गया डी टू साई फर्स्ट एक्स अपॉन डी एक्स टू प्लस के स्क्वायर साई फर्स्ट एक्स, ठीक है, के स्क्वायर साई फर्स्ट एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या हो गया, उपरोक्त श्रोडिंगर समीकरणों के हल निम्न होंगे। यहां पर अपने पास में दोनों क्या है, श्रोडिंगर समीकरण जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, दोनों सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां से इनके सॉल्यूशन क्या हो गए, इसके भी क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस आल्टा के आएंगे अपने पास में, और यहां पर भी प्लस माइनस आल्टा के डेस आएंगे, क्योंकि अपनी जो इक्वेशन है वो क्या है, डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई फर्स्ट एक्स इक्वल टू जीरो और डी स्क्वायर प्लस के डेस स्क्वायर साई सेकेंड एक्स इक्वल टू जीरो, इस टाइप की है दोनों। तो यहां से अपने पास में फर्स्ट और सेकेंड सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो इसके लिए यहां पर अपने पास में क्या आएगा, इसके लिए प्लस माइनस का आल्टा के, और इसमें भी क्या जाएगा, प्लस माइनस आल्टा के डेस, ठीक है। तो ये वैल्यू जो अपन रख दे, तो इसके लिए आ गया साइन फर्स्ट एक्स इक्वल टू ए की पावर आल्टा के एक्स प्लस बी की पावर माइनस का आल्टा के एक्स, ठीक है। इसी प्रकार अपने पास में आ जाएगा साई सेकेंड एक्स इक्वल टू सी ई की पावर आल्टा के एक्स प्लस डी ई की पावर माइनस का आल्टा के डेस एक्स, ठीक है। ये दोनों अपने पास में सॉल्यूशन आ गए श्रोडिंगर समीकरण के लिए। यहां तक लिख लें इनको, ठीक है। तो इनके अंदर अपने पास में क्या हो गया, पहले हम चेक करते हैं कि हमारा जो साई होगा वो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है। तो हम लिख सकते हैं कि एबीसीडी जो है, ए बी सी तथा डी स्वेच्छ नियतांक है, ठीक है, ए बी सी तथा डी स्वेच्छ नियतांक है तथा उपरोक्त समीकरण है या उपरोक्त समीकरण समतल तरंगों का
अध्यारोपण है, ठीक है। यहाँ पे क्या आपके पास में सुपर पोज हो रही है, अध्यारोपण होगा इनका, तो क्योंकि एक जो अपनी ई की पावर आल्टा के एक्स वाली हो जाएगी, एक अपने पास में तरंग कौन सी होगी माइनस का आल्टा के एक्स वाली, ऐसे इसके अंदर मिल रहा है, ठीक है। तो यहां से अपने पास में क्या होगा, उपरोक्त समीकरणों में e की पावर माइनस का आल्टा et अपॉन एच कट का अगर हम समावेश करेंगे, यानी जो हमारे पूरी श्रोडिंगर जो हमारा हल होगा साई फर्स्ट x, इसके अंदर क्या जाएगा xt, यानी ये टाइम के साथ में प्लस x दिशा की ओर गति करती हुई तरंग को बताएगी, और ये अपने क्या होगी माइनस x दिशा की ओर गति करती हुई तरंग के लिए होगा, ठीक है। तो यहां से अपने पास में क्या हो गया कि इन समीकरणों में अगर हम e की पावर माइनस आल्टा et अपॉन एच कट का समावेश करें, तो प्रथम पद a e की पावर आल्टा के एक्स, जो प्रथम पद होगा हमारा आल्टा के एक्स प्लस एक्स दिशा में ए की पावर आल्टा के एक्स भी और ई की पावर आल्टा के डेस एक्स भी, ठीक है। प्लस एक्स दिशा में संचरण कर रही तरंग को व्यक्त करता है, ठीक है। तथा द्वितीय पद माइनस एक्स दिशा में संचरण कर रही यहां से दोनों कंडीशंस पॉसिबल है कि हमारी प्लस एक्स
नेगेटिव एक्स की ओर आने वाली तरंग भी पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ से दोनों क्या हो जाएंगे, पॉसिबल हो जाएंगी, ये भी और परावर्तित तरंग भी। लेकिन जो हमारा सेकेंड है साइन सेकेंड एक्स, ठीक है, साइन सेकेंड एक्स के अंदर क्या होगा, साइन सेकेंड एक्स के अंदर अपने पास में आ जाएगा सी ई की पावर आल्टा के डेस एक्स प्लस डी ई की पावर माइनस का आल्टा के डेस एक्स। तो यहाँ पर तो क्या कंडीशन थी कि जो तरंग अपने पास में आ रही थी वो इस विभव सीढ़ी से रिफ्लेक्ट भी हो सकती थी और उसकी एनर्जी ज्यादा है तो पारगमित भी हो रही थी। ठीक है, इस दिशा में जाने वाली भी थी और इस दिशा में भी। लेकिन जब तरंग इस रीजन में पहुंच जाती है तो वहां से क्या होगा, उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं आगे। ठीक है, यहाँ पर पहुंचने वाले के लिए क्या होगा, रिफ्लेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं होगा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ क्या होगा, ये पहला पद ही पॉसिबल होगा, सेकेंड जो टर्म है वो पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, ओनली क्या होगी, फर्स्ट टर्म जो है वही पॉसिबल होगी। ठीक है, क्योंकि इस सेकेंड रीजन के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इसे परावर्तित कर सके। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि साई सेकेंड एक्स में केवल प्रथम पद सी ई की पावर आयोटा के डेस एक्स ही संभव है, क्योंकि द्वितीय पद में ई की पावर माइनस आल्टा के डेस एक्स परावर्तित तरंग को व्यक्त करता है, जबकि क्षेत्र सेकेंड में ज्ञात करेंगे।